अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनसा शाह और आई एम अ टैरो कार्ड रीडर और लास्ट 8 ईयर्स से मैं टैरो कार्ड्स कर रही हूँ डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ पर, टीवी चैनल्स पर, और आज मुझे न्यूज़ 360 वालों ने मौका दिया है 2021 की प्रेडिक्शन देने का, और आई होप आपको मेरी प्रेडिक्शन पसंद आएगी। और हमारा जो पहला सवाल है कि 2021 में क्या कोरोना से लोगों को निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और थोड़ा सा मैं टैरो का इंट्रोडक्शन दूंगी कि टैरो कार्ड्स जो होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी होती है, इसी तरीके से टैरो कार्ड्स जो हैं वो भी आप फ्यूचर प्रेडिक्शन देते हैं, पास्ट प्रेजेंट प्रेडिक्शन भी देते हैं, और उसके अलावा गाइडेंस भी दी जाती है आपके तमाम लाइफ इश्यूज के बारे में, रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंसेस हैं, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में गाइडेंस दी जाती है। तो ऐसे ही नए साल की आज प्रेडिक्शन मैं करने जा रही हूँ, और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से मैंने देखा था तो 2021 जो है वो ऐड करें तो नंबर 5 बनता है, और नंबर 5 जो होता है वो होता है मरकरी का, यानी कि 2021 जो है वो मरकरी का ईयर है। अब जैसे कि 2020 जो को हमने ऐड किया तो 4 नंबर बना था, और 4 नंबर जो है वो मून का होता है, राहु का होता है, और राहु जो है, जैसे कि 2021 में हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, कोरोना की शक्ल में स्पेशली काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इकॉनमी और अपने लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, तो वो इस वजह से कि क्योंकि 2020 जो है वो राहु का ईयर था, और जब राहु आपके चार्ट में आ जाता है बर्थ चार्ट में तो कॉम्प्लिकेशंस और मुश्किलात और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अब जो है 2021 जो है वो मरकरी का ईयर है, और मरकरी प्लैनेट जो है वो बैलेंस करता है चीज़ें, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें अनबैलेंस हैं, आपका रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस हैं, करियर है, वो 2021 से इंशाल्लाह जो है चीज़ें बैलेंस होंगी। बल्कि हमारी लाइफ में क्या वर्ल्ड वाइड जो भी इकॉनमी है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हुए हैं 2020 में, तो इंशाल्लाह 2021 में एक नया साल नई उम्मीद लेकर आ रहा है। तो अब चलते हैं टैरो की तरफ और देखते हैं कि 2021 में टैरो हमें क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2021 जो है वो कैसा रहेगा, स्पेशली कोरोना से लोगों को क्या निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, पहले मैंने शफल किए हैं और अब मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। कार्ड्स मैं आपको दिखाऊंगी भी। अच्छा, कार्ड्स जो आए हैं दिखा देते हैं, क्वीन ऑफ कप्स है, फिर पेज ऑफ कप्स है, फिर है 4 ऑफ कप्स, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कप्स है, और कप्स जो है वो इमोशंस को बताता है, तो मुझे लग रहा है क्वीन भी है तो स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं कंपेयर करूँ 2020 से तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है, और यानी कि फैब से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। पेज ऑफ कप्स कह रहा है कोई अच्छी सी न्यूज़ भी मिलेगी, तो हो सकता है कि न्यूज़ जो है वो वैक्सीन की शक्ल में भी मिल सकती है। 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, वो उनमें जो है ना एक नई होप्स आ रही हैं और नई उम्मीद है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो कम होगी। पाकिस्तान में क्या 2021 में क्या इलेक्शन के कोई चांसेस हैं या नहीं है, तो मैं कार्ड्स दोबारा से शफल करती हूँ और कार्ड्स मैं निकालती हूँ कि 2021 में क्या इलेक्शन के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्या इंतखाबात का साल है या नहीं है, कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। एस ऑफ सोर्ड है, फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और फिर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे दो दो एसेस आ रहे हैं,
तो और फिर टू ऑफ वॉन्ड्स है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है कि मैं यस कह दूं कि वहाँ वाकई 2021 में जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं। और मैं कहूँगी कि इंतखाबात में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। हाँ ये ज़रूर है कि पॉलिटिकली और काफ़ी मूवमेंट्स रहेंगी, यानी कि यहाँ पर सोशलाइजिंग नज़र आ रही है, जलसे जुलूस नज़र आ रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर 2021 में भी रहेंगे पाकिस्तान के। तो कार्ड्स में शफल कर लेती हूँ दोबारा से। कार्ड में एक ही निकाल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यस और नो का है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं 2021 में भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है तो एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है, पैशन नज़र आ रहा है और काफ़ी सारे प्लान्स उन्होंने शायद बनाए हैं 2020 में, जो वो 21 में उस पर अमल दरामत करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला सवाल है नवाज शरीफ साहब जो हैं क्या पाकिस्तान वापस आएंगे। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा, कार्ड्स पेज ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है, द टेम्परेंस का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये पेज जो है वो न्यूज़ बताता है, ख़बर देता है, तो ख़बरें ज़रूर आएंगी नवाज शरीफ की, और अगर आए तो विज़िट पर आएंगे, लेकिन मुझे परमानेंटली पाकिस्तान आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगला सवाल है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में कि 2020 में जो लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान थे, तो क्या 2021 में महंगाई जो है वो उसमें कमी होगी या नहीं होगी। कार्ड्स बड़े मज़े के हैं। फोर ऑफ सोर्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो महंगाई की कमी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि महंगाई कम हो ही नहीं सकती। हालात ऐसे नहीं हैं कि महंगाई को कम किया जाए। थोड़ा बहुत हो सकता है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कोई मेजर चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स है, गवर्नमेंट बैलेंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन कमी मुझे नज़र नहीं आ रही। अब अगला सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है, जिन उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी वो देंगे अवाम को, क्या वो वादा पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अच्छा, कार्ड्स में आपको पहले दिखा देती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ सोर्ड्स है, हेरोफेंट है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अवाम को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, अभी भी उम्मीदें हैं पीटीआई से। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि पाकिस्तान में पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन फाइव ऑफ सोर्ड है, नौकरियां जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रही। जो उनका वादा है, यानी कि अगर हम एक करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ नौकरियां मिलते हुए लोगों को
नहीं मुझे लग रही, नज़र नहीं आ रही। हैरोफिन का कार्ड है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ज़रूर हैं। अब आते हैं मीडिया की तरफ, और मीडिया का पहला सवाल ये है कि जो 2021 में अदाकाराओं की क्या तलाक़ें ज़्यादा होंगी या शादियां ज़्यादा होंगी। 2020 तो मुझे लगता है कि वेडिंग ईयर रहा है, काफ़ी फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का वो हुआ है, शादियां हुई हैं। तो अब देखते हैं 21 में क्या सूरत हाल रहेगी। एक मैं कार्ड निकालूंगी शादी के लिए और एक डिवोर्स के लिए। अच्छा, कार्ड दोनों बड़े पावरफुल कार्ड्स आए हैं। शादी के लिए जो कार्ड आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, और फिर डिवोर्स केसेस के लिए जो कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल शादियाँ नज़र आ रही हैं, और काफ़ी मशहूर जो फेमस हैं, जो टॉप एक्टर्स हैं जो अभी अनमैरिड हैं, उनकी शादियों के इम्कानात मुझे नज़र आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है, यानी कि ऑन एंड ऑफ रहेगा। कुछ डिवोर्स केसेस भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ आपस में जो हैं इख्तलाफात मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे ये भी हो सकता है कि र्यूमर्स मुझे नज़र आ रहे हैं ज़्यादा, और तो वही दोनों चीज़ें हैं कि शादियां भी होंगी और साथ साथ जो है वो सेपरेशन भी नज़र आ रही है। तो अगला सवाल है कि 2021 में कोक स्टूडियो जो ज़्यादा कामयाब होगा या वेलो साउंड स्टेशन। तो आइए जानते हैं, टैरो की मदद से देखते हैं कि कौन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। कोक स्टूडियो के लिए कार्ड निकाल लेते हैं और एक वेलो साउंड स्टेशन। ओके, काफ़ी टाइम से कोक स्टूडियो की हम देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, लेकिन 2021 के लिए जो कार्ड आया है कोक स्टूडियो के लिए, टू ऑफ सोर्ड आया है, फिर वो जो नेक्स्ट है वेलो साउंड स्टेशन, उसके लिए कार्ड ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। द लवर्स का कार्ड है, यानी कि ये और ज़्यादा पॉपुलर होगा, ज़्यादातर यूथ में पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है और वैरायटी नज़र आ रही है मुझे। तो मैं कहूँगी कि कोक स्टूडियो का जो है वो इतनी कामयाबी मुझे 2021 में नज़र नहीं आ रही, लेकिन लवर्स का कार्ड कह रहा है कि जो विलो स्टूडियो है, विलो साउंड स्टेशन जो है वो ज़्यादा कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, और सवाल है क्रिकेट का, और क्रिकेट के लिए सवाल ये है कि अब 2021 में पाकिस्तान में क्रिकेट क्या सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सूरत हाल होगी। मैं ओवरऑल देख रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर मैच के बारे में या सीरीज़ के बारे में नहीं निकालूँगी मैं, ओवरऑल टीम और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं एक कार्ड निकालूँगी। कार्ड बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की काफ़ी मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो फॉरेन, हालांकि ट्रैवलिंग में भी इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी कार्ड बड़ा ज़बरदस्त और स्टेबल है। तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में काफ़ी सक्सेस है इस साल 2021 में। तो अगला सवाल है बाबर आजम का, और बाबर आजम के बारे में सवाल है कि क्या 2021 में क्या वो बेहतरीन, यानी कि टॉप वन प्लेयर जो है बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे। तो बाबर आजम की एनर्जी जो है वो मैं टैरो में डाल के एक कार्ड पिक करती हूँ बाबर आजम 2021 में। किंग ऑफ कप्स आया है, इनकी मकबूलियत में अभी भी काफ़ी मकबूल हैं, फेमस हैं, और आवाम इनको बहुत पसंद करती है। तो 2021 में भी मुझे लग रहा है कि इनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी,
लेकिन कप्स है तो हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, टॉप वन या टॉप थ्री में मुझे पोजीशन आती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन आवाम में इनकी मकबूलियत जो है वो रहेगी। तो ये थे आज के सवाल, और टैरो की मदद से हमने देखा कि 2021 में ओवरऑल पाकिस्तान में क्या सूरत हाल रहेगी। आई होप आज का वीडियो और टैरो की प्रिडिक्शन आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और शो में, प्रोग्राम में हाज़िर हो जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।